इस किताब का नाम है गुड टू ग्रेट, जिसे लिखा है जिम कॉलिंस ने। और अगर हम बात करें इन शॉर्ट ये समरी क्या कहना चाहती है, तो सिंपल सी लाइन है, अगर आप सिर्फ अच्छा बनकर खुश है तो आप कभी भी ग्रेट नहीं बन पाएंगे। लिख लीजिए, तो फिर क्यों एक एवरेज इंसान बन के रहा जाए जब आप ग्रेट बन सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं इस जर्नी को। सबसे पहले, गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जिम कॉलिंस आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं और समझाते हैं कि हमें जो चीज ग्रेट बनने से रोकती है वो है हमारी अच्छाई। और ये बात उन्हें अपनी एक बिजनेस मीटिंग के दौरान समझ में आई, जब मिचकिंस्की कंपनी के सैन फ्रांसिस्को ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि कुछ प्रपोज्ड कंपनी उन्हें यूजलेस लगी क्योंकि वो उतनी भी ग्रेट नहीं थी। जिम कॉलिंस ने ये बात सुनी और इसके बारे में रिसर्च करने में जुट गए। उन्होंने अपनी रिसर्च में बहुत सी कंपनीज के बारे में इन्फॉर्मेशन हासिल की और उन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक गुड और दूसरा ग्रेट। तो ये रिसर्च कई फेजेस पर किया गया। इसका फर्स्ट फेज था द सर्च, और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, इसमें दो चीजों को शामिल किया गया था, स्टडी के लिए कंपनीज को सर्च करना और एक टीम सर्च करना जो कि स्टडी करे। इस टीम में 21 रिसर्चर्स रखे गए थे और हर कंपनी के सामने ग्रेट कंपनी बनने की एक ही शर्त थी कि उन्हें रिटर्न्स जनरल स्टॉक मार्केट से कम 3 गुना होने चाहिए, और वो भी लगातार 15 सालों के लिए। तो अगला जो फेज था वो था इनसाइड द ब्लैक बॉक्स। इस फेज में स्पेशली एक एनालिसिस किया गया था उन 28 सिलेक्टेड कंपनीज का, उन पर आर्टिकल्स पढ़ने से लेकर के रिलेटेड मैटर को सब ग्रुप्स में डिवाइड करने तक और एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यू लेने तक। हालांकि ये काम इतना इजी नहीं था, रिसर्च का काम काफी बड़ा था जिसे पूरा करने में 10.5 ईयर लगे, और इस रिसर्च से जो रिजल्ट्स निकल कर आए उसने रिसर्चर्स को एकदम हैरान कर दिया था। उन्हें ये देख करके हैरानी थी कि एक्चुअली में ग्रेटनेस की तो कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं, क्योंकि ग्रेट कंपनीज की कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजीज नहीं होती, और ना तो टेक्नोलॉजी और ना ही उनकी अचीवमेंट का कंपनीज की ग्रेटनेस से कोई लेना देना था। किसी भी कंपनी को एक ग्रेट कंपनी बनने के लिए ना सिर्फ ये फोकस करना होता है कि क्या करना है, बल्कि इस चीज पर भी फोकस करना है कि क्या नहीं करना है। किसी ग्रेट इंडस्ट्री में रहने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी भी ग्रेट हो जाएगी, और फाइनली चेंजेस मैनेज करना और लोगों के इन्फ्लुएंस को अटेंशन देना खास बात है, और इसे ही ट्रू सक्सेस भी कह सकते हैं। फिर आता है इसका लास्ट फेज, द चाउस। जिम कॉलिंस बताते हैं कि इस फेज में उन्होंने मीनिंगलेस डेटा से एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क क्रिएट कर लिया था। इस रिसर्च के रिजल्ट्स को सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हैं, और वो है डिसिप्लिन। इन चुनी हुई कंपनीज के लीडर्स शर्मीले तो थे, लेकिन सेल्फ अफेक्टिंग और शांत थे। उन्होंने कंपनी के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी और ना ही उसे फुलफिल करने की कोशिश की थी, बल्कि उन्होंने राइट लोगों को, सही लोगों को चूज किया और मिसफिट लोगों को रिमूव करके आगे की प्लानिंग की। तो इससे रिसर्चर्स एक हैरत अंगेज रिजल्ट पर पहुंचे कि कंपनी को ग्रेट बनने के लिए इसे खुद पर यकीन रखना होगा, चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए, वो एक न एक दिन ग्रेट कंपनी बन के रहेगी। लेकिन इसके साथ ही कंपनी को अपनी करंट प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम अगर लंबे टाइम तक किया जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसमें बेस्ट है, और अगर आप बेस्ट नहीं है तो आप ग्रेट तो कभी नहीं बन सकते। इसके लिए तो आपको कल्चर और डिसिप्लिन अप्लाई करना ही होगा, और लास्ट में टेक्नोलॉजी कभी भी ग्रेटनेस नहीं दिला सकती, ये सिर्फ एक टूल है, ना कि खुद एक ग्रेटनेस। तो सक्सेस के लिए कोई वन टाइम इवेंट नहीं होता है, ये एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है जिसमें टाइम और एफर्ट दोनों लगता है, तब जाकर के पूरी पिक्चर कंप्लीट होती है। तो क्या ये आइडिया नई कंपनीज पर भी अप्लाई होगा? जी हाँ, ये किताब एक रास्ता बताती है आपकी कंपनी को गुड से ग्रेट की तरफ ले जाने का। चलिए तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेवल 5 लीडरशिप। मान लीजिए दो रेसर मैराथन में है, उनमें से एक की जीत तो पक्की लग रही है और दूसरा इस रेस का डार्क हॉर्स है। वो जीतने के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है और फाइनली ये रेस जीत भी जाता है। तो इसी तरीके से सीईओ का बेस्ट एग्जांपल है डार्विन स्मिथ, एक ऐसा सीईओ जो अपनी कंपनी को गुड टू ग्रेट की तरफ लेकर गए। 20वीं सेंचुरी में किम्बर्ली क्लार्क एक लीडिंग पेपर बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट की एक जानी मानी कंपनी थी, जो कि उस टाइम मार्केट में छाई हुई थी। स्मिथ ने वर्कशॉप बेचने का डिसीजन लिया ताकि बिजनेस को मेन स्ट्रीम और वीक होने से बचाया जा सके। उस वक्त मीडिया में उनका काफी मजाक भी उड़ाया गया था, लेकिन हैरत की बात थी कि कंपनी के पास स्कॉट पेपर की ओनरशिप आई और प्रॉक्टर एंड गैम्बल को उन्होंने 6 कैटेगरीज में हराया।
तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी की हर अचीवमेंट के लिए लीडर्स को ही रिस्पॉन्सिबल माना जाए। कभी कभी एक डीप साइंटिफिक अप्रोच लेकर के भी चलना चाहिए। लेवल 5 का लीडर बनने के लिए आपको हम्बल और फियरलेस बनना होगा। जैसे कॉलमन मॉकलेर फेमस जिलेट कंपनी के सीईओ ने कभी हार नहीं मानी और लास्ट तक लड़ते रहे, फिर भी उन्होंने कंपनी में अपने शेयर नहीं बिकने दिए क्योंकि उन्हें टेम्परेरी प्राइज नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए थी। और इतना ही नहीं, डेविड मैक्सवेल फनी एंड मे के सीईओ ने कंपनी को जैसे जादू से $1 मिलियन कंपनी बना दिया था, जो हर रोज $4 मिलियन का प्रॉफिट कमा के जनरल स्टॉक मार्केट से 3.8 से 1 पर पहुंच गई थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनकी रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी लॉस में जाए, इसीलिए उन्होंने अपने 5.5 मिलियंस की रिटायरमेंट मनी कंपनी के लो इनकम हाउसिंग के फंड में जमा करा दिए। तो यही चीज एक गुड टू ग्रेट कंपनी के लीडर्स में कॉमन होती है कि वो कंपनी को हर हाल में आगे ले जाना चाहते हैं। वो अपने पर्सनल लॉस या फायदे के बदले कंपनी का बेनिफिट देखते हैं। वैसे एक और की सीक्रेट है जो कंपनी की सक्सेस में इम्पोर्टेंट होता है, और वो है कि अपने पीछे एक ऐसी कंपनी छोड़कर जाना जो आपके जीने के बाद भी एक्सीलेंट पोजीशन में बनी रहे। और सबसे जरूरी बात ये है कि लीडर्स को हमेशा मॉडेस्ट रहना चाहिए, जो खुद से ज्यादा कंपनी के बारे में सोचे, अपने बोर्ड मेंबर की फिक्र करे। ऐसे लीडर्स हमेशा शांत रहते हैं, उनमें कोई शो ऑफ नहीं होता और ना ही अपने बारे में बढ़ चढ़कर बोलते हैं, बल्कि ये चुपचाप अपना काम करते रहते हैं और अपने टारगेट को पूरा करते हैं। जो लीडर्स अपने काम का शो ऑफ करते हैं उनकी सक्सेस लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकती। ली लाकोचा क्रिसलर के सीईओ ने कंपनी को डूबने से बचाया और उनका एक बड़ा हाथ रहा अपनी कंपनी को अमेरिकन बिजनेस हिस्ट्री की मोस्ट सेलिब्रेटेड कंपनी बनाने में। लेकिन शो ऑफ ने क्रिसलर को एक दूसरी जर्मन कार मेकिंग कंपनी के हाथों बिकने को मजबूर कर दिया था। एक 5 लेवल का लीडर होने का मतलब है कि आप ना सिर्फ मॉडेस्ट रहे बल्कि आपके अंदर एक स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग पावर भी हो। अगर कंपनी की भलाई के लिए आपको खुद अपने किसी फैमिली मेंबर को फायर करना पड़े तो आप करेंगे, जैसा कि जॉर्ज कैन ने किया। जोसेस एफ गुलमैन और एलन वुडसेल एक न्यूकोर एग्जीक्यूटिव मानते हैं कि किसी कंपनी को ग्रेट बनाने में लक भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी ग्रेट कंपनी की सक्सेस में लक मैटर नहीं करता। अपने खराब रिजल्ट्स को बैड लक बोलना सिर्फ एक बहाना है। क्या हर कोई लेवल 5 लीडर बनना सीख सकता है? नॉन इगोइस्टिक लोग सीख सकते हैं। स्टडी में जितने भी सीईओ को स्टडी किया गया था, उन सबकी लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए जिसने उनकी पर्सनैलिटी को एक मच्योर अप्रोच दी। तो ऐसे कोई भी फिक्स स्टेप्स नहीं है जिन पर चल करके आप केवल 5 लीडर बन जाए। ये तभी होगा जब आप एक लीडर की ट्रू क्वालिटी को रियल में अप्लाई करेंगे। इसी के साथ आगे बात करते हैं फर्स्ट हु देन व्हाट। मतलब ये कि बस को कहाँ लेकर जाना है, ये डिसाइड करने से पहले बस में सही लोग बैठे हैं इस बात को श्योर कर लीजिए। वो लोग यानी कि बस ड्राइवर आपको राइट डिसीजन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो लोग जो एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन तक जाने के लिए खराब रास्तों की परवाह नहीं करते। इसीलिए वो राइट लोग कौन होंगे, ये एक ग्रेट लीडर को मालूम होना चाहिए। वो अपनी टीम में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता है जो राइट है, तभी वो आगे की स्ट्रेटेजी को प्लान कर सकता है। अगर आप गलत लोगों को साथ लेकर के चलेंगे तो कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा राइट लोगों के साथ काम कीजिए। रॉन्ग लोगों को हमेशा राइट लोगों से ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है, और रॉन्ग लोगों के साथ राइट डिसीजन डाउटफुल लगेगा। तो यहाँ हम वेल्स फार्गो का केस लेंगे, जिसके सीईओ ने अपनी कंपनी में बेस्ट लोगों की टीम बनाई। ये एक सक्सेसफुल डिसीजन था क्योंकि आने वाले टाइम में बैंक ने मार्केट को पूरे 4 बार नॉकआउट किया। कुछ कंपनीज की एक और बैड हैबिट्स होती है कि वो कॉम्पिटिटिव बनने के चक्कर में वीक लीडर्स को हायर कर लेते हैं। लेकिन कंपनीज ग्रेट बनने के लिए दो सिंपल रूल्स फॉलो करे तो उनकी ये परेशानी काफी हद तक दूर हो सकती है। पहला तो ये है कि क्या करना है, इसके बजाय किसके साथ काम करना है, ये चीज क्लियर कर लीजिए। और सेकेंड है कि हाउ टू पे देम के बजाय हु टू पे पर फोकस करे, क्योंकि राइट लोग वही करेंगे जो कंपनी के लिए बेस्ट है, फिर चाहे वो कितना ही अर्न करते हो। इसीलिए बेस्ट हार्ड वर्किंग लोगों को हायर कीजिए जो कंपनी के फायदे की सोचे और अपनी बेस्ट प्रोडक्टिविटी दे। एक ग्रेट कंपनी चलाना बहुत मेहनत का काम होता है। हर एम्प्लॉइज को बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करना और अनवांटेड लोगों को तुरंत फायर कर देना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको 3 प्रिंसिपल अप्लाई करने होंगे। पहला है कि अगर आपको डाउट है तो तुरंत हायर मत करो, वेट करो कि कोई बेटर मिल जाए।
दूसरा है जब आपको लगे कि लोगों को चेंज करना है तो एक्ट करो। तीसरा है अपनी बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपना बेस्ट दो, ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को। तो क्या आप एक ग्रेट कंपनी और एक ग्रेट लाइफ बिल्ड कर सकते हैं? एक ग्रेट लीडर को पता होता है कि अपने काम और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि उसे पता है कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि वर्क प्लेस में गोल्स अचीव करना। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखिए और आगे बात करते हैं अब कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स के बारे में। आइए इसे समझते हैं। 2 पुरानी कंपनीज के बीच में क्या डिफरेंस है जो सेम स्ट्रेटेजी को शेयर करती है, और वो भी एक खास टाइम पीरियड के लिए। इनमें से एक कंपनी को ये हार्श रियलिटी फेस करनी ही होगी कि उसे खुद को अपडेट रखना है, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलना है। ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना होगा बल्कि उसे रिसर्च और फिजिकल एफर्ट्स भी लगाने होंगे। गुड टू ग्रेट जाने के लिए कंपनी को 2 डिसीजंस लेने होते हैं। पहला तो ये कि सारे प्रोसेस को रियलिटी की नजर से देखे, और सेकंड ये कि सारे डिसीजंस एक डीप और इंट्यूटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लिए जाए। और सबसे बड़ी बात कि एक ग्रेट बिजनेस के लीडर को रियल प्रॉब्लम्स मालूम होती है, तभी वो राइट स्टेप्स ले पाता है। इसके साथ ही एक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट का होना भी जरूरी है, जिससे कि आपका कीमती टाइम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में वेस्ट ना हो। लेकिन यह प्रॉब्लम ये है कि आप एम्प्लॉयज को कंपनी के रियल स्ट्रगल बताकर उन्हें डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। इसके लिए आप नॉन फॉर्मल मीटिंग्स रखिए, जिसमें सवाल पूछे जाए, जैसे कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। इस तरह सवाल पूछने से आपके सामने प्रेजेंट रियलिटी खुल करके आ जाएगी। इसके अलावा एक लीडर को डिबेट भी रखनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयज को ये ना लगे कि उन पर फोर्सफुली कोई डिसीजन थोपा जा रहा है। एक एफिशिएंट लीडर अपने बैड डिसीजंस खुद एक्सेप्ट करता है, ना कि एम्प्लॉयज को ब्लेम करता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चलता है, उसकी वैल्यू तो तभी है जब लीडर ये बता सके कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जरूरी है और कौन सी नहीं। तो ग्रेट लीडर इतना स्ट्रांग हो कि कंपनी की किसी भी डिजास्टर इंसिडेंट को हैंडल कर पाए, और कंपनी अपने डाउनफॉल से सबक सीख करके कुछ बड़ा अचीव कर पाए, फिर चाहे कंपनी को कैसी ही प्रॉब्लम या कंपटीशन फेस करना पड़ रहा हो। इसके साथ ही कंपनी का स्टॉक डेल पैराडॉक्स पर एक एफिशिएंट पकड़ हो, यानी कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करके उससे सबक लेकर सक्सेस की तरफ कदम बढ़ाने की क्वालिटी। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी प्रॉब्लम्स तो कभी अचीवमेंट मिलती ही रहती है, लेकिन हम इन डिफिकल्टीज को कैसे फेस करते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसी इम्पोर्टेंट बात के साथ अगली इम्पोर्टेंट बात है द हेजहॉग कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है, चलिए जानते हैं। हेजहॉग और फॉक्स, हम सब इन 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। फॉक्स बड़ा ही चालाक एनिमल है, इसलिए उसे कई सारी स्ट्रेटेजीज मालूम होती है जिससे वो हेजहॉग का शिकार कर सके। लेकिन हेजहॉग सिर्फ एक चीज में बढ़िया है, और वो जानता है। हेजहॉग्स बेवकूफ नहीं होते, लेकिन वो सिर्फ उस पर फोकस करते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी चीजों पर वो ध्यान नहीं देते। जिस एग्जांपल के लिए वॉलग्रीन्स ने हेजहॉग कॉन्सेप्ट को यूज करके दूसरी कंपनीज जैसे कि कोका कोला को कंपटीशन दिया। उन्होंने सिंपली इनकन्वीनियंट स्टोर्स लोकेशन को ज्यादा कन्वीनियंट लोकेशन से एक्सचेंज कर दिया। लेकिन जब ये इतना ही सिंपल है तो हर कोई यूज क्यों नहीं कर सकता, राइट? अक्सर कंपनीज किसी भी इशू को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूज करने लगती है, जबकि सिंपल सोल्यूशन उनके सामने होता है। तो हेजहॉग कॉन्सेप्ट सिंपलिसिटी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये डीप वे में एक्शन लेता है। इसीलिए हमें लगता है कि कोई एक्ट जो इतना सिंपल है फिर भी इतना डीप है तो कैसे असर करेगा। आप खुद ही सोचिए, आप क्या बेस्ट बन सकते हो, आपका पैशन क्या है, ऐसा क्या है जो आपके इकोनॉमिक इंजन को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। यहाँ हम बेस्ट टारगेट रखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो ये पूछ रहे हैं। एक ग्रेट कंपनी बनने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी इंडस्ट्री भी बहुत ही ग्रेट हो, लेकिन हाँ, आपके पास एक बेहतर वर्क इंजन जरूर होना चाहिए। अपने प्रॉफिट को लार्जर स्केल पर रखना एक इकोनॉमिक की है। सिर्फ वही काम करो जो आप दिल से करना चाहते हो, यही हेजहॉग कॉन्सेप्ट का फंडामेंटल रूल है। वैसे ये कॉन्सेप्ट इतना इजी भी नहीं है, इसमें टाइम और एफर्ट्स दोनों लगते हैं। इसमें आपके एम्प्लॉयज को डिबेट में पार्ट लेकर के मीनिंगफुल क्वेश्चंस भी पूछने होंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ हमने यहाँ पर जाना हेजहॉग कॉन्सेप्ट के बारे में, लेकिन अब आगे बात करते हैं अ कल्चर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। आइए इसे समझते हैं। अक्सर स्टार्टअप्स एक ग्रेट कंपनी नहीं बन पाती है, कभी सोचा है आपने कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिंपल सा है, क्रिएटिविटी की कमी। जी हाँ, स्टार्टअप खुलते हैं, फिर अचानक बड़े बन जाते हैं, फिर उनको बड़े ऑर्डर्स और क्लाइंट्स मिलने लगते हैं, और यहीं से शुरू होता है उनका डाउनफॉल।
फिर कोई डिसाइड करता है कि ये सब गड़बड़ बंद होनी चाहिए, वो नए रूल्स और स्ट्रेटेजी को प्लान करता है जो कंपनी को मीडियोक्रिटी की तरफ ले जाती है। तो पहला स्टेप है कि आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कीजिए जहाँ पर फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। फिर आप अपनी सोसाइटी में ऐसे लोगों को शामिल करो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी करने के लिए डिटरमाइन हो, दृढ़ हो। लेकिन लीडर को डिटेक्टरशिप से बचना चाहिए। आपको हेजहॉग कॉन्सेप्ट बहुत ही केयरफुली यूज करना है, जिसमें इसके तीनों रूल्स का ध्यान रखा जाए। एम्प्लॉयज के पास अपने रूटीन वर्क का चेकलिस्ट जरूर हो, भले ही उन्हें क्रूशियल डिसीजन लेने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करने की फ्रीडम दी जाए। रिंसिंग योर कॉटेज चीज, मतलब कि आपको ग्रेट बनने के लिए हर छोटे से छोटा स्टेप लेना होगा। एक गुड टू ग्रेट लीडर को भी अपनी कॉटेज चीज रिंस करना पड़ता है, फिर चाहे उसे पसंद हो या ना हो। लेकिन गुड और ग्रेट कंपनी के बीच सिर्फ डिसिप्लिन का ही डिफरेंस नहीं है, बल्कि उसे एक डिसिप्लिन सोसाइटी डेवलप करनी भी आती हो। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो कभी भी फोर्सफुली अप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि आप एक पर्सन को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो पर्सन कंपनी से चला जाता है तो क्या डिसिप्लिन भी खो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन एक हैबिट है, एक आदत है जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। एक गुड टू ग्रेट कंपनी स्पेशलिटी पर फोकस करती है, यानी एक चीज जिसमें वो एक्सपर्ट है, बाकी पर वो ध्यान नहीं देते। उनकी स्टॉप डूइंग लिस्ट छोटी होती है, जहां उन्हें पता है कि किस एक्टिविटी पर फोकस करना है और किसे छोड़ना है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स के बारे में। थिंकिंग ऑप्शनल नहीं है। 21वीं सेंचुरी में हार्डवर्क के बजाय स्मार्ट वर्क पर जोर दिया जाता है। ये आज की जरूरत भी है, कोई लग्जरी नहीं। पावर ऑफ थिंकिंग यानी सोचने की ताकत सक्सेस का एक जरूरी पार्ट है। जैसे एग्जांपल के लिए drugstore.com का स्टोर ओपन होते ही इसके स्टॉक 3 गुना बढ़ गए थे, क्योंकि उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की थी, इसीलिए उन्हें ह्यूज सक्सेस मिली। वहीं दूसरी तरफ वॉलग्रीन्स को सक्सेस काफी टाइम बाद मिली, क्योंकि वो सोच सकते थे कि कोई भी न्यू डिस्कवरी अचानक से नहीं हो जाती, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तब जाकर के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आइडिया ये है कि हम इंटरनेट को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए यूज करें। वॉलग्रीन ने इंटरकॉम बनाया, क्रोगेट ने बारकोड और जिलेट ने हाई टॉलरेंस रेजर ब्लेड्स। तो सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी हो। ये बात आप खुद से पूछिए कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हेजहॉग कॉन्सेप्ट में फिट होती है या नहीं। अगर हाँ तो आगे बढ़िए, वरना इग्नोर कीजिए। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी सक्सेस फैक्टर है ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज किया जाए ये मैटर करता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोसेस को स्पीड देती है। देखा जाए तो कोई भी टेक्नोलॉजी आपको लेवल 5 लीडर नहीं बना सकती, और ना ही ये लीडर को रियलिटी दिखा सकती है। ग्रेट कंपनीज कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी के मामले में थोड़ा पीछे होती है, क्योंकि ये उस बारे में बात ही नहीं करती। उन्हें सिर्फ जीतने से और बेस्ट बने रहने से मतलब होता है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं रहता है कि उनकी राइवल्स कंपनीज क्या कर रही है। उनके लिए उनका काम और बेस्ट पोजीशन मैटर करता है, और इसकी एक वजह ये भी है कि ग्रेट कंपनीज को किसी तरह का डर नहीं होता, न इस बात का कि उन्हें क्या समझ नहीं आ रहा है, और ना ही बेस्ट होने या ना होने का। क्या बात है। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं द फ्लाई व्हील एंड द डूम लूप। अब ये क्या है, आइए समझते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि फेरिस व्हील कैसे चलता है? पहले पुश में जोर से धक्का देना पड़ता है, फिर उसके बाद ये स्मूथ चलने लगता है। सेम यही चीज कंपनीज के साथ भी है। शुरुआत में एक मोमेंटम बिल्ड करना जरूरी है, ताकि बाद में मिनिमम एफर्ट्स में सेम रिजल्ट मिल सके। तो सक्सेस एक झटके में अचानक नहीं मिलती, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। किसी भी ब्रेक थ्रू के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद सक्सेस को लॉन्ग टर्म तक बनाए रखने के लिए मिनिमम एफर्ट्स ही काफी है। इस चीज को हम फ्लाई व्हील मॉडल बोलते हैं। कुछ लोग शायद ये सोचे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है कि कोई कंपनी चल पड़ी, लेकिन अगर देखा जाए तो सक्सेस हमेशा डिसिप्लिन और एक केयरफुल प्लानिंग से ही मिलती है। जी हाँ, ग्रेट कंपनीज को भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन वो उन्हें कैसे फेस करती है, तो यही चीज उन्हें डिफरेंट और ग्रेट बनाती है। क्योंकि ये कंपनीज अपनी प्रॉब्लम्स डिसिप्लिन और प्लान्ड एक्शन से सॉल्व करती है। अगर एक राइट वर्क एटमॉस्फेयर हो तो ग्रेट कंपनीज को कमिटमेंट और मोटिवेशन जैसी चीजों की फिक्र नहीं करनी पड़ती, बल्कि उनकी ये चीजें खुद सॉल्व हो जाती है। और एक ग्रेट कंपनी को अपने लिए गोल्स भी सेट नहीं करने पड़ते, क्योंकि उनके एम्प्लॉयज ऑलरेडी फ्लाई व्हील मॉडल के हिसाब से काम करते हैं। है ना कमाल की बात। और उन्हें पता होता है कि उन्हें किस तरह का और कितना काम करना है। और इसके उलट कुछ कंपनीज बेटर रिजल्ट की उम्मीद में एक न्यू डायरेक्शन क्रिएट करने के चक्कर में पड़ जाती है।
लेकिन रिजल्ट एकदम उल्टा निकलता है। अब सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है कि ऐसी कंपनीज अपने ही बैड रिजल्ट से मोटिवेट होकर के ऐसा डायरेक्शन क्रिएट कर लेती है जिसका कोई बिल्डअप नहीं होता और ना ही कोई मोमेंटम जनरेट होता है। कुछ कंपनीज को ज्यादा एसेट्स गेन करके ज्यादा सक्सेस मिलती है और इसका सीक्रेट है कि ये कंपनीज नोटेबल मोमेंटम क्रिएट करने के लिए फ्लाई व्हील मॉडल और हेजहॉग कॉन्सेप्ट यूज करना पसंद करती है। उनके एसेट्स या गेन उनके मोमेंटम को क्रिएट नहीं करते बल्कि उनकी स्पीड को बढ़ाते हैं। वैसे एक और ट्रैप है जिसमें अक्सर कुछ लीडर्स फंस जाते हैं और वो ये कि कंपनी जब ऑलरेडी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही होती है तो ये लीडर्स कोई दूसरी डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। सक्सेस का एक की एडजेक्टिव यानी एक दूसरा नाम कोहेरेंस है, जिसमें सिस्टम का हर पार्ट दूसरे से कनेक्ट है जो फाइनली मिलकर के एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। अगर आप फ्लाईव्हील में रहना चाहते हो तो आपको डेवलपमेंट के लिए एक पैटर्न को फॉलो करना ही पड़ेगा जो आपको ब्रेक थ्रू की तरफ ले जाए और जिसमें हैच हॉक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डेवलपमेंट के बगैर सीधे ब्रेक थ्रू पर पहुंच जाना चाहते हैं और लगातार इनकंसिस्टेंसी शो करते हैं तो ये बात जाहिर होती है कि आप एक डूम लूप में हैं और फंस चुके हैं, तो इसका हमेशा ध्यान रखें। वैसे आगे ध्यान डालते हैं अगले पॉइंट पर। From good to great to build to last, मतलब ये कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक कैसे टिकी रहती है, ऐसा क्या है जो उसे लॉन्ग रन सक्सेस देता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंपनी को अपनी कोर वैल्यू पता होनी चाहिए प्रॉफिट कमाने के अलावा, और फिर अपनी कोर वैल्यू को एक डायनेमिक प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेस से मिक्स कर दे। गुड टू ग्रेट बनने के कॉन्सेप्ट को जनरली अप्लाई करने का एप्लीकेशन इस किताब में डिस्कस किया गया है। हालांकि बिल्ड टू लास्ट कॉन्सेप्ट एक लॉन्ग लास्टिंग ग्रेट कंपनी की गारंटी देता है, जैसा कि किसी भी गुड टू ग्रेट कंपनी पर अप्लाई होता है कि एक्चुअली में कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, आपको टाइम और हार्डवर्क दोनों की जरूरत पड़ेगी ही। लॉन्ग लास्टिंग ग्रेट कंपनीज सिर्फ शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के लिए नहीं बनी है बल्कि इन कंपनीज का बाकी कंपनीज की इस बात पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो इतने सालों से कैसे मैनेज करती आ रही थी। और सबसे बड़ी बात कि ग्रेट कंपनीज पूरी लाइफ नहीं है बल्कि लाइफ का एक पार्ट है। कोई भी ग्रेट कंपनी अपने कोर वैल्यूज के बिना टिक नहीं सकती, इसीलिए वो इसका पूरा ध्यान रखते हैं चाहे उनकी कोर वैल्यू जो भी हो। ये कोर वैल्यू इंडिविजुअल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है। तो कोर वैल्यूज को प्रिजर्व यानी उसे मेंटेन कैसे रखा जाए, इसका जवाब है कि कोर प्रोग्रेस के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करके। इसके लिए चार आइडियाज मोटे तौर पर एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कि गुड टू ग्रेट और बिल्ड टू लास्ट कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाए। सबसे पहला है कि एक टीम को डेवलप कीजिए जो हर जनरेशन के लीडर्स के साथ कॉम्पिटेबल हो। दूसरा है कि आपको किसी भी चीज के दो एक्सट्रीम ऑप्शन ढूंढने होंगे, जैसे फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा है एक कोर आइडियोलॉजी रखे, और चौथा है प्रोग्रेस को स्टिमुलेट करे। अब सवाल है कि क्या ग्रेटनेस इतनी जरूरी चीज है? तो इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं। पहला तो ये कि कुछ गुड बनाने से कुछ ग्रेट बनाना उतना भी मुश्किल नहीं है, और दूसरी चीज कि जब आप कुछ ग्रेट अचीव करते हो तो आप खुद को एक मैजिकल वर्ल्ड में फील करते हो। ऐसा ड्रीम, ऐसा सपना जो आप हमेशा देखते आए हैं, जो आप अचीव करना चाहते थे। लेकिन ऑथर बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी ग्रेट कंपनी की सक्सेस में लक मैटर नहीं करता। तो इसी के साथ अब टाइम आ गया है इस समरी के कंक्लूजन का। तो इस बुक में हमने देखा कि गुड दुश्मन है ग्रेट का, जैसे कि बहुत ही कम लोग ग्रेट जिंदगी जी पाते हैं क्योंकि वो गुड लाइफ में ही खुश हो जाते हैं। कंपनीज के साथ भी यही है, वो गुड प्रोडक्ट से खुश हो जाते हैं इसीलिए कभी ग्रेट बन ही नहीं पाते। हमने समरी में कई सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखा, जैसे कि लेवल 5 लीडरशिप, फर्स्ट हु देन व्हाट का कॉन्सेप्ट भी देखा, यानी टीम के मेंबर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक बार आपकी टीम में अच्छे लोग है तो हम कहीं भी अच्छी जगह पहुंच ही जाएंगे। इसके अलावा हमने हैच हॉग कॉन्सेप्ट और कल्चर ऑफ डिसिप्लिन के बारे में भी काफी कुछ जाना। तो आप भी गुड से ग्रेट की जर्नी पार कर सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं इन कॉन्सेप्ट को फॉलो करके।